नमस्कार, मैं हूं शैलेश शुक्ला और आप देख रहे हैं NovBharatTimes.com। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ज्योतिरादित्य खेमे के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। इससे कमलनाथ सरकार अल्पमत में आती दिख रही है। पूरे देश की नज़रें अब मध्य प्रदेश की सियासत पे हैं। आइए हम बताते हैं कि आगे मध्य प्रदेश की सियासत में क्या हो सकता है। क्या कमलनाथ सरकार बचेगी या जाएगी, ये चार विकल्पों पे निर्भर करेगा। मध्य प्रदेश में आए सियासी भूचाल में अब स्पीकर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया है और ये सभी अब स्पीकर के पास हैं। स्पीकर को ये फैसला करना है कि इन इस्तीफों को वह स्वीकार करे या नहीं करे। स्पीकर ऐसा करने के लिए अभी बाध्य भी नहीं है। वह विधायकों को अपने पास बुला सकता है, उनसे राय ले सकता है, उनसे ये पूछ सकता है कि क्या आप पे कोई दबाव है या नहीं है। इन सब से संतुष्ट होने के बाद ही स्पीकर यह फैसला करेंगे कि विधायकों का इस्तीफा स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। अभी ताज़ा हालात में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। विधानसभा के अध्यक्ष NP प्रजापति कांग्रेस के हैं और वो कमलनाथ खेमे के हैं। ऐसे में बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला होना अभी लटक सकता है। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधायक हैं, जिनमें से दो के पद खाली चल रहे हैं। इनमें से अगर आधे से अधिक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया तो राज्य में मध्यावधि चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि उस पर भी फैसला राज्यपाल को लेना रहेगा। मध्य प्रदेश के ताज़ा संकट में राज्यपाल की भूमिका बेहद अहम रहेगी, लेकिन फिलहाल की इस परिस्थितियों में राज्यपाल कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा सकते हैं। राज्य का बजट सत्र शुरू होने वाला है और बीजेपी ने कहा है कि कमलनाथ सरकार बजट सत्र के दौरान बहुमत साबित करे। उधर कांग्रेस की कोशिश है कि बजट सत्र शुरू होने से पहले बागियों को मना लिया जाए। इस बीच राज्यपाल अभी भी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। बजट सत्र के दौरान अगर कमलनाथ सरकार बजट को पारित कराने में असफल रहती है तो उसका गिरना तय माना जाएगा। इसी के साथ सदन के अंदर कमलनाथ सरकार के विधायकों समर्थन वाले विधायकों की संख्या भी तय हो जाएगी। इसी को देखते हुए बीजेपी अपने विधायकों को मानेसर ले गई है और कांग्रेस भी अपने विधायकों को जयपुर ले गई है। दोनों ही दलों की कोशिश है कि अपने विधायकों को बचाया जाए। कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने संकटमोचक कहे जाने वाले DK शिवकुमार को बागियों को मनाने की जिम्मेदारी दी है। DK शिवकुमार माना जा रहा है कि कई विधायकों के संपर्क में भी हैं। इस पूरे संकट में अगर कांग्रेस असफल रहती है तो उसकी पूरी कोशिश होगी कि मध्यावधि चुनाव राज्य में कराए जाएं। उधर बीजेपी की कोशिश होगी कि वह उपचुनाव पर फोकस करे। अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो इससे कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है और उपचुनाव हुआ तो बीजेपी को ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसी वजह से दोनों पार्टियाँ कोशिश में हैं कि वो किसी तरीके से सत्ता को अपने पास बनाए रखें। आइए जानते हैं क्या है विधानसभा की वर्तमान स्थिति और क्या है सरकार बचाने का गणित। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं, जिसमें से दो सीटें खाली चल रही हैं। बचे हुए 228 में से 114 विधायक कांग्रेस के हैं। इन 114 कांग्रेस के विधायकों में से 22 ने इस्तीफा दे दिया है और अब उनकी सदस्य संख्या 92 पहुंच गई है। कांग्रेस के पास अभी 4 निर्दलीय, 2 BSP और 1 SP के विधायक का समर्थन है। इस तरीके से कांग्रेस की संख्या 99 पहुंच रही है। उधर बीजेपी के पास कुल 107 विधायक हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आना चाहती है तो 22 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार होना बेहद जरूरी है। इससे सदस्यों की संख्या 206 पहुंच जाएगी और बीजेपी आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। हालांकि इसमें भी एक दिक्कत है। बीजेपी के कुछ विधायक बागी रुख अपनाए हुए हैं। वो बताया जा रहा है कि कमलनाथ के संपर्क में है। अब देखना यह है कि बीजेपी अपने विधायकों को बचा पाती है या नहीं, यह महत्वपूर्ण रहेगा। उधर कांग्रेस की कोशिश है कि वो बागी विधायकों को किसी तरीके से अपने पाले में लाए। अगर बागी विधायक कांग्रेस के पाले में आ जाते हैं तो कमलनाथ सरकार का बचना तय हो जाएगा। अब सब कुछ विधानसभा स्पीकर और बागी विधायकों के रुख पर निर्भर करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।